गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे यहाँ लंच में चना सत्तू पराठा एंड सेवई बना था, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले लहसुन प्याज और मिर्च ले लेंगे, और ये चना सत्तू हमने ले लिया है, और कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे अजवाइन, हींग, चाट मसाला और भरवा मिर्च। और प्याज, लहसुन और मिर्च को हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं चॉपर की हेल्प से प्याज, लहसुन और मिर्च को एकदम बारीक कट कर रही हूँ। जिनके यहाँ ये अवेलेबल हो इससे कट करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो चाकू से भी एकदम बारीक कट कर लेंगे। बट चॉपर एकदम मतलब कि टाइम सेविंग के लिए बहुत अच्छा होता है, झटपट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, हमारा प्याज लहसुन कट के रेडी है। इसे मैंने चना सत्तू में ऐड कर दिया है, और कुछ मसाले जो मैंने बताए थे वो भी मैं चना सत्तू में ऐड कर रही हूँ। नमक और हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। आप इसमें हरा धनिया और नींबू भी ऐड कर सकते हो। मेरे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट उससे टेस्ट और अच्छा था। उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है सब, और फिर हम पराठा सेकेंगे। तो मैंने ये देखिए गैस ऑन कर दिया, इस पर तवा रख दिया। तवा हीट होने तक मैं पराठा बेल लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने आटे को गूंद के रखा हुआ था, उसकी लोई बना ली है, और इसमें हमने जो चना सत्तू मसाला तैयार किया है उसको डालेंगे, और अच्छे से गोल करते हुए उसको भर लेंगे ताकि पराठा फटे ना। तो ये देखिए, हमने खूब अच्छे से उसको भर लिया है, और इसे अब हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसको गोल शेप दिया हमने, और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल गोल बना है। अब इसे हम सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने पराठा तवे पे रख दिया है सेकने के लिए। आप इसको बिना ऑयल के भी सेक कर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होगा। लेकिन हमें तेल लगा के खाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, बट आप बिना ऑयल के भी इसे खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा पराठा सीख रहा है। इसे ऐसे ही घुमा घुमा के पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है ताकि पराठा कच्चा ना हो। ये काफ़ी टेस्टी होता है। जो लोग इसे खाएं वो तो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं खाए हैं तो वो प्लीज़ एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि कैसा लगा। ये हमारे यूपी में बनता है, बाकी जगह भी बनता होगा बट मुझे आइडिया नहीं है, बट ये यूपी में तो बनता ही बनता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है, बहुत लोगों को पसंद आता है। आप भी ट्राई करो और मुझे शेयर करो कि कैसा लगा। ये देखिए, हम सेवई बनाने जा रहे हैं। तो सेवई ले लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये देसी घी में मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई कर रही हूँ, इसे रेड होने तक मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, पूरा रेड कर लेना है इसे, और इलायची भी हम सेवई में डालेंगे। उसके बाद से ये देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट रेडी है। तो मैं इसमें सेवई ऐड कर दे रही हूँ, और इसे भी मैं भून लूँगी। मैं सेम बर्तन यूज़ कर रही हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा ना निकले। ये देखिए, मैं सेवई को घुमा घुमा के अच्छे से भून ली हूँ। मैं मिल्क पहले से ही बॉईल करके रखी हूँ, इसे मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिला लूँगी, और बॉईल आने तक सेवई को पकाऊँगी ताकि वो अच्छा टेस्ट दे। और इसमें मैंने इलायची ऐड कर दिया है, और ये देखिए अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, और शुगर को खूब अच्छे से पका लेना है ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, हमारा सेवई रेडी है। इसमें मैं गार्निश के लिए किशमिश यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।